रहा कि मैं अपने सूबे के लोगों लिए लड़दा किसानों लिए और हर गल बेइंसाफी की मैं डट के लड़ाई लड़ी है। ये जिहड़े मेरे खिलाफ इल्जाम ते मुकदमे ये मेरी सेहत ते कोई असर नहीं। अगर ये समझते कि मेरा मनोबल देख सकणगे दे आर 100% रोंग। असीं अल्टीमेट जिहड़ी एक मिनट जी अल्टीमेट जिहड़ी जित है ना वो सच दी होवेगी। ये जिहड़ी शरारत रचेगी ना मेरे खिलाफ मैं सही समय ते आण के उहदा पर्दाफाश करूंगा। ये पोलिटिकल कॉन्सपिरेसी हुई है। बीजेपी तो मेरे खिलाफ सी साडे आस्तीन दे सांप साडे अपनी कांग्रेस दे बुक्कल विच बह के जिहड़ा मेरे खिलाफ कर रहे ने आने वाले समय से मैं उन्होंने बेनकाब करूंगा और मेरी लड़ाई सच दे वास्ते जारी रहेगी। और मैं जिदा पहला कहा कि कूड़ नुखुटे नानका उड़क सच रहे। ट्रुथ कैन बी सप्रेस्ड इट कैन नॉट बी ओवर पावर्ड। आई विल फाइट टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ माइन। आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर जस्टिस इन दिस कंट्री। आई विल कंटिन्यू टू फाइट एनी काइंड ऑफ ओप्रेशन। जितना चाहे वो लख मैनू विक्टिमाइज कर लैन मेरा मनोबल वाहेगुरु की कृपा दे नाल। खैरा साहब जिहड़ा अनमनुखी वतीरे की गल आई सी मैसेज आया सी बेटे दा की सी ओह कड़ा लोहण की कोशिश की सी। मैं कहा जे जान है तो ला दो इस करके उन्हां तों लखा नहीं। सिर्फ दिखाए ने देखो कि गैर कानूनी गल है कि तुहानूं गिरफ्तार कर रहे ने तुहानूं दस भी नहीं रहे कद लई गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे वकील कोई जिहड़ी ECIR रजिस्टर की ईडी ने ओहदी कॉपी नहीं दित्ती ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दित्ते सिर्फ पढ़ाए। उहदे च इक गल मैनूं नजर आ रही सी कि जी एक मिनट मेरे खिलाफ आ रही सी जी के जी इन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम से बाहरों पैसे कट्ठे किए। मैं तो सामने कह रहा कि मेरा टूर आम आदमी पार्टी वालों स्पॉन्सर्ड सीगा उन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया। मैं 16 शहरां दा टूर किया उहदे पोस्टर जारी किए उन्होंने आम आदमी पार्टी ऑफिशियल जिहड़ा पेज है USA का उहदे वेरीफाइड 1.5 लाख फॉलोअर्स आ उहदे ते मेरे पोस्टर शेयर किए टेबल लगते सी उन्होंने वॉलंटियर पैसे कट्ठे करते सीगे। वो सारा पैसा केजरीवाल नूं गया वा ते बेबुनियाद मेरे ते इल्जाम ला के इदां दे झूठे मन घड़ फिर पार्टी क्यों मुकर गई मुकर क्यों गई। हो जेड़ा मेरा शेड्यूल डिफेंस लिया इन्होंने फाजिलका दा ओदे च मेरा FIR विच नाम नेगा मेरा चलान विच नाम नेगा मेरा सारी ट्रायल ओ बंदियां नूं सजा हुई किसे विटनेस ने मेरा नाम नहीं लिया मेरे तो कोई रिकवरी नहीं गी। उसे शेड्यूल डिफेंस नूं बना के मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की और सब तो वड्डी गल कि सुप्रीम कोर्ट आप मुकरी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने NDPS दा फाजिलका दा केस स्टे किया होया। इतना ज्यादा अन्याय ते हनेरगर्दी इस देश विच नहीं हो सकदी। मैनू दुख इस गल का थोड़ा जा कि मेरे